राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सब? तो आपका स्वागत है मेरे पंकज चल व्लॉग में। आज बना रहे हैं हम मटर मलाई पनीर की सब्जी। और कैसे बनाते हैं इसका तरीका बताएंगे आपको, तो देखिए हमारे साथ। यहाँ बना रही हूँ मैं मटर पनीर की सब्जी। ये पनीर मैंने पहले ही मैरिनेट करके रख लिया है। इसमें सारे हल्दी नमक मिर्च पहले मैरिनेट कर दिया ताकि ये फीका फीका ना लगे। इसको अब तल लेंगे। ये फ्रोजन मटर हैं, ये लहसुन हरी मिर्च, ये हमारे बेसिक मसाले और ये खड़े मसाले हैं कुछ, और ये काजू जो पहले मैंने भिगो के रख दिए हैं। इनका पेस्ट बना के डाल लेंगे, इससे जो हमारी करी है वो बहुत अच्छी बनती है, बहुत ज़्यादा अच्छी। और ये टमाटर हैं, ये प्याज। और अब बनाना शुरू करते हैं, हम खुले पैन में बनाएंगे। अब डाल रहे हैं हम इसमें देसी घी, पनीर बना रहे हैं देसी घी से ही बनाएंगे फॉर टेस्टी। घी गर्म होने के बाद इसमें हमारे जो देसी मसाले हैं वो डाल लेंगे, खड़े मसाले। तब तक ये काजू पीस लेते हैं। डाल दिया इसमें जीरा, जीरा हमारा भुन गया है। अब डाल सकते हैं प्याज, प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे क्योंकि हम इसको प्याज और टमाटर को पीस लेंगे, उसके बाद दोबारा फिर से पकाना है। ये हल्का गोल्डन ब्राउन, प्याज हमारे हो गए हैं ये ब्राउन। अब डाल लेंगे इसमें टमाटर, टमाटर सॉफ्ट होने के बाद ठंडा कर लेंगे और फिर इसको मिक्सी में पीस के दोबारा से एक तड़का लगाएंगे। प्याज और टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इनको ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे, फिर इनको मिक्सी से पीस लेंगे। डाल लिया हमने घी, अब डाल लेंगे सारे खड़े मसाले, जीरा, लौंग, तेज पत्ता और काली मिर्च।
टमाटर, मसाले हमारे सारे पक गए हैं। प्याज और टमाटर का वो इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। सब्जी में ये प्रोसेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हमारे मसाले पक रहे हैं तब तक हम पनीर को सॉफ्ट कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा भी फ्राई ना करें नहीं तो पनीर टाइट हो जाता है। टमाटर प्याज हमारे पक गए हैं, डाल लेंगे जो हमारे बेसिक मसाले थे सारे, वो जिसमें सारे नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला सब्जी मसाला और पनीर मसाला सूखा धनिया मसाला सारे ऐड कर दिए हैं इसमें। और अब डाल रही हूँ मैं इसमें धनिए अदरक का और लहसुन का मिर्च का टेस्ट पेस्ट। मसाले पकने तक इसको हिलाते रहेंगे। अब जो पेस्ट हमने बनाया था काजू का वो पेस्ट डाल लेंगे। थोड़ी सी मलाई हम इसमें ऐड कर देंगे, ये मटर मलाई की रेसिपी तैयार हो जाएगी। अब हमने इसमें मटर पनीर डाल दिया है और कुछ देर में हमारी सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। ये 20 आदमियों का खाना था इसलिए क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। और मटर पनीर हमने पहले ही पका लिए थे, सब मसाला हमने अलग से पका लिया था। अब ये बस तैयार है, बहुत टेस्टी मलाई मटर पनीर हमारा बना है। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हो गई है हमारी रेसिपी मटर मलाई पनीर की, बहुत टेस्टी है। पसंद आए तो आप भी बना के देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कैसी लगी हमारी मटर मलाई पनीर की सब्जी,